दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं आप, ये है वीवो Y83 और ये 2018 का जो है न्यू लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0। इस मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल का पैटर्न अगर आप हाथ से हार्ड रीसेट करेंगे तो हाथ से हार्ड रीसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हार्ड रीसेट करेंगे तो वहाँ पे भी पैटर्न लॉक मांगा जाएगा और यूट्यूब पर जो भी इसकी वीडियो अपलोड है वो सारी की सारी जो है फेक है। तो इस मोबाइल का पैटर्न लॉक आज हम अनलॉक करेंगे मिरेकल बॉक्स से। और दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस मोबाइल को बूट कराना मिरेकल बॉक्स में बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही कम आदमी को पता होगा इस मोबाइल को बूट कराने के बारे में कि ये मोबाइल किस तरह से बूट होता है मिरेकल बॉक्स से। तो चलिए आज वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस मोबाइल को बूट करा सकते हैं अपने मिरेकल बॉक्स से और इसका पैटर्न लॉक जो है आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपना मिरेकल बॉक्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से इस मोबाइल का आप जो है बूट करा सकते हैं मिरेकल टूल से और उसके बाद किस तरह से इसका पैटर्न लॉक को जो है रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, पैटर्न और FRP दोनों का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने प्रैक्टिकली इसमें जो है रिसर्च किया है, इसमें जो है FRP इसका रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली पैटर्न लॉक ही रिसेट हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल का आप जो है FRP किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों पैटर्न रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना होगा वीवो Y83 और ये यूनिवर्सल में नहीं है, ये वीवो Y83 आपको सेलेक्ट करना ही होगा। और जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप तो इसमें जो बूट का जो मेथड होता है वो चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे एडवांस FRP पे अगर आप चेक लगाएंगे तो FRP रिमूव होना चाहिए, लेकिन FRP रिमूव नहीं होता है, ओनली इसमें जो है पैटर्न लॉग ही रिमूव होता है। ठीक है, फिर भी मैं दोनों पे चेक लगा दिया हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो में कि इस मोबाइल का सिर्फ ओनली पैटर्न लॉग ही रिमूव होगा, इसका जो है FRP लॉग जो है रिमूव नहीं होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख, मैं आपको मोबाइल आपको दिखा रहा हूं यहां पे सामने स्क्रीन पर और मोबाइल को कैसे मैं बूट कराऊंगा इस मिरेकल टूल से वो भी मैं आपको यहां वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को जिस तरह हम नॉर्मली बूट कराते हैं मोबाइल को ऑफ करके, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं मोबाइल के अंदर में पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल को अभी हम यहां पे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद जिस तरह आप MediaTek मोबाइल को बूट कराते हैं उस तरह से अगर आप बूट कराएंगे इस मोबाइल को तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका मोबाइल बूट नहीं करेगा। इसमें बूट करने का जो तरीका है वो कुछ अलग थोड़ा सा एडवांस है और हट करके है। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे मैंने डाटा केबल लगाया मोबाइल को बंद करके, मोबाइल को ऑफ करके मैंने डाटा केबल लगा दिया, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे जो है स्कैनिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अब यहां पर क्या करना है कि आपको जो है वॉल्यूम प्लस जो है आपको यहाँ पे कंटिन्यू आपको दबाना होगा अब। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम प्लस आप कंटिन्यू दबा के रखेंगे कुछ देर, और तब तक आपको दबा करके यहाँ पे रखना है जब तक आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपके मिरेकल टूल में ना चले। ठीक है, जब तक कंप्लीट आपका मोबाइल यहाँ पे आगे बूट ना करे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया से आपको है मोबाइल को बूट करना। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है, मैंने वॉल्यूम प्लस छोड़ दिया। तो दोस्तों आजकल जितनी भी MediaTek की मोबाइल आ रही है एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0, इस मोबाइल को आप जो है इस तरह से जो है बूट करा सकते हैं। ये भी तरीका है बूट कराने का, और जो पहले जिस तरीके से आप बूट कराते थे उस तरीके से भी आप बूट करा सकते हैं। यानी अभी आपको जो है सभी तरीका को जो है आजमाना है और सभी तरीके से आपको मोबाइल को बूट करना है। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपका मोबाइल बूट करे उसी तरह से आपको मोबाइल को बूट कराना है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रोसेस चल रहा है और इसका पैटर्न लॉक जो है अभी रिसेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो में अंत में आपको दिखा रहा हूं। आपको आप यहां पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो है पैटर्न रिसेट हो चुका है, मोबाइल रिबूट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको अभी इस मोबाइल को जो है सेटअप करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो है अभी जो FRP रिसेट नहीं होगा। ठीक है, FRP इसमें मांगा जाएगा फिर से, FRP रिसेट नहीं हो रहा है और मेडिकल से भी नहीं हो रहा, और मैंने UMT में भी ट्राई किया उसमें भी नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कई बॉक्सों में ट्राई किया है, किसी में भी जो है इसका जो है FRP रिसेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल का सेटअप करके फटाफट आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल में जो है इसका पैटर्न लॉक अनलॉक हो चुका है, लेकिन इसका जो है FRP अभी भी जो है इसका FRP नहीं निकला। चलिए मैं आपको फटाफट इसमें सेटअप करके दिखा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें अभी भी जो है यहाँ पे गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा इस मोबाइल का जो है आप गूगल अकाउंट किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।